दोस्तों ट्रेनिंग का एक हिस्सा समाप्त तो हो चुका है और अब हम जा रहे हैं माता का आशीर्वाद लेने के लिए कि अच्छे से हमारी ट्रेनिंग पूरी होगी एक शरण की। गुरु जी की वाइफ है, आया है गुरु माता है, नमो नमः। और ये गुरु जी की ईजा है दगड़ियो, और ये गुरु जी का प्रसाद है दगड़ियो, इसका नाम है भगीरथ। ये गुरु जी की जेठजा की नातिनी है। आज क्या है? तो दोस्तों यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, हम जा रहे हैं कालीचौड़ माता मंदिर। और रंजना की तो अभी से प्रैक्टिस शुरू हो गई है, क्या पता आज माता का आशीर्वाद मिल जाए और एक झूझ जैसा हो जाए। दगड़ियो, ये है गोलापार स्टेडियम। शायद इस स्टेडियम का नाम इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी, इनमें से एक है इंदिरा गांधी स्टेडियम। तुमने भी समूह की तैयारी की थी क्या? ने जंगलों के बीच से एक कच्ची सड़क गई हुई है कालीचौड़ मंदिर के लिए। मंदिर दर्शन के साथ साथ ऑफ रोड ड्राइविंग का भी मजा ले सकते हैं। आप हल्द्वानी शहर से थोड़ा सा हटके अगर कुछ पल शांति के, कुछ पल अध्यात्म के बिताना चाहते हैं तो कालीचौड़ इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। तो ये रोड सीधे मंदिर गेट तक गई है। अगर आपका मन है कि थोड़ा सा पैदल चल के जाएं मैया के दरबार में तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो यही वो माता काली की मूर्ति विराजमान है। अंदर जो काली माता की मूर्ति है ना, अगर आप उसको थोड़ा सा 2-3 मिनट तक ऐसे देखते रहेंगे, मतलब फोकस करके देखते रहेंगे उनकी आंखों में ऐसे आंख डाल के ना, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे साक्षात काली मैया सामने खड़ी हो गई हो। फिर वो मूर्ति नहीं दिखती, वो माँ दिखती है। बहुत सारी खंडित मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई थी, वो अलग से रखी गई हैं। ये हैं दोस्तों खंडित मूर्तियां। बंदर भी बहुतायत मात्रा में है, तो जो भी आप पूजा सामग्री ले रहे हैं, फल फूल लेके आ रहे हैं घर से, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप संभाल के रखें, अपना पर्स वगैरह संभाल के रखें, क्योंकि बंदर यहाँ पे बहुत छीना झपटी करते हैं। मंदिर परिसर से लगभग 200-250 मीटर अंदर जंगल की तरफ अभी हम है। किसी भी मतलब पीठ का क्या होता है, एक दायरा होता है, दायरा होता है, उसको भी वही माना जाता है। जरूरी नहीं कि आप मतलब मंदिर के अंदर ही घुसो, आप दूर से मंदिर का वो देख रहे हो जो ऊपर का टुक्का होता है, तो वहीं से अगर प्रणाम कर दो तो श्रद्धा भाव होना चाहिए। हेड़ा खान बाबा जी जो पुराने वाले थे, तो उनका जो आरंभिक तपस्थली रही थी वो यहीं कालीचौड़ माता मंदिर के परिसर में रही थी। यहीं आकर उन्होंने तपस्या करी थी, सिद्धि प्राप्त करी थी। ये दुनिया के सबसे स्वादिष्ट आलू के गुटके हैं दोस्तों। आप कलर देखिए, फ्लेवर देखिए, ऊपर से जो धनिया बुरका हुआ है ना, आहा मजा आ गया। बनाने वाले को सत सत नमन है भाई, उसको तो है ही, उनको तो है ही यार। हम भोग लगा के आ चुके हैं, तो ये भोग की प्रसादी है। तो ये जहाँ खाना बन रहा है, मैया का भंडारा बन रहा है, तो वहाँ पे दे के आते हैं। तो माता की ऐसी कृपा हो गई आज, गुरु जी हमें ऐसे टाइम में लेके आए कि हमें भोग लगाने की मतलब अवसर प्राप्त हुआ। माँ ने ये एक अवसर दिया हम जैसे एक नादान भक्तों को, तुच्छ भक्तों को, जो कि इतनी भक्ति भी नहीं करते, कुछ नहीं करते उसके बाद भी। तो बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा माता का। जय माँ काली, जय माँ काली। अपने सभी भक्तों पे आशीर्वाद बनाए रखें, गुरु जी पे भी आशीर्वाद बनाए रखें, भगीरथ पे, उनकी मम्मी पे, और रंजना होने वाली मम्मी पे भी। ये भी मैं डाल दो, आशीर्वाद बनाए रखें। तुम्हारा मेरा दिमाग एक साथ चल गया। अब ये खिचड़ी का प्रसाद हम इसमें मिक्स करेंगे, तो अब ये प्रसाद बन गया है। अब ये प्रसाद बन गया, जितने भी भक्त लोग यहाँ आए हैं अब वो खिचड़ी ग्रहण करेंगे। माता जी जो भोग माता को लगाया, अब आप खीर पकड़ो। पानी भी यहाँ प्रसाद बन जाता है दोस्तों। ठाकुर साइड का बैग दियो हम।
सबको एक डाड़ू दे रहा हूँ, इसको दो देता हूँ। मेरी सैनी को भी एक दिव्य अनुभूति हो रही है। माता रानी की कृपा से ये भंडारे में सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और सभी भक्त लोग अभी देखिए आप शान से बिल्कुल मजे से यहाँ पे भंडारा छक रहे हैं और आलू के गुटके तो हुए थे, अब खिचड़ी देख के मेरे मतलब लार टपक रही है। मतलब ना क्या बताऊँ मैं, मेरे को ऐसा हो रहा है कि जल्दी जल्दी खा के उठाऊँ मैं भी खाऊँ, मतलब इतनी भूख लग जा रही है। और वैसे तो मंदिर का खाना बहुत टेस्टी होता है लेकिन यहाँ तो अब मैं क्या बताऊँ, एक तो वातावरण कुछ ऐसा है, दूसरा फिर आग में बना हुआ है। काली चौड़ माता की कृपा ऐसी ही बनी रहे आप सभी पर, मुझ पर। Thank you.
भगवान भोले।